महात्म्य की चर्चा चल रही है कल से, जिसमें भक्ति महात्म्य में दो कथाएं हैं। एक तो भक्ति का दुख दूर किया है नारद जी ने। हम सभी जितने यहां बैठे हैं ना, हम सबके हृदय में भक्ति है, लेकिन भक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि जब पुत्र दुखी होता है तो मां को दुख होता ही है, हैं? बेटा दुखी हो तो मां चैन से रह नहीं सकती। न तो मां को रोटी अच्छी लगती है, न पानी अच्छा लगता है, न कपड़े अच्छे लगते हैं, न मकान अच्छा लगता है, यदि उसका लाला दुखी हो तो। और भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये दोनों बेटे भक्ति के कलयुग में बुरी तरह से घायल, मूर्छित, जर्जर, कमजोर हो गए हैं। और पता है, मां के पास न खाने को हो न पहनने को हो, लेकिन बालक सुखी हो तो मां का चोला चैन में रहता है, बालक सुखी हो। और पता है, मां कभी भगवान से व्रत भी करती है, पूजा पाठ भी करती है ना, तो बालक के लिए मांगती है, है? माताएं बालक के लिए व्रत रखती हैं। तो यहां भक्ति अपने आप में वो खूब जवान है और उसकी सेवा में अनेकों नदियां, अनेकों युवतियां उसकी सेवा में पंखा हवा कर रही हैं, ढांढस बंधा रही हैं, धीरज बंधा रही हैं, लेकिन भक्ति को बिल्कुल भी चैन नहीं है। भक्ति को शांति नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान के बिना भक्ति करेंगे काहे की? ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति करेंगे काहे की? पहले भक्ति करने के लिए भगवान का ज्ञान तो हो, भक्ति के मार्ग का ज्ञान तो हो। अच्छा, वैराग्य के बिना भक्ति कर ही कैसे सकते हैं? क्योंकि वैराग्य नहीं है तो मोह में, ममता में और संसार में ही हम गन्ना की तरह फिरते रहेंगे। एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरता गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जीवः असुरतां गतः, जो जीव असुरता को प्राप्त हो गया है, हमारा मन, अब उससे भक्ति कैसे होगी? जब तक ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तो भक्ति हो ही नहीं सकती, भक्ति का जन्म ही नहीं होगा।
त्रयाणाम सहचारित्वात्, ये तीनों एक से एक जुड़े हुए हैं। तो भक्ति दुखी है, यमुना के किनारे वृंदावन में, क्यों? वहां से नारद जी गुजर रहे थे और नारद जी आए तो थे इस संसार में, इस धरती पर भ्रमण करने के लिए। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिति, सर्वोत्तमां इति ज्ञात्वा पृथ्वीं यातः। नारद जी इस धरती पर क्या सोच करके आए? सर्वोत्तमां, ये सर्व सब में उत्तम लोक है धरती, मृत्यु लोक, क्योंकि इस लोक पे मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यहां भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, सत्संग ये प्राप्त होते हैं। ये सब स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होते। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः, न स्वर्ग में, न सत्यलोक में, न वैकुंठ में, न कैलाश में। क्यों भैया? कैलाश में तो शंकर भगवान रहते हैं, वहां तो यह सुख होना चाहिए, क्योंकि जहां शिव होगा तो वहां तो कथा होनी चाहिए। बोले नहीं, वह शिव की साधना स्थली है, जब उन्हें कथा कहनी होती है तो कैलाश से उतर करके आ जाते हैं अमरनाथ में और वहां पार्वती को कथा सुनाते हैं, और जब सुनने का मन होता है तो अगस्त ऋषि के पास या इस धरती पर उतर के आते हैं। कैलाशे नास्ति अयम रस, यह रस कैलाश में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, ऐसा समझ करके, जान करके। एक कार्यकर्ताओं जो प्रसाद पे हैं, ये मैया यहां पर प्रसाद कैसे लेके आ गई, तुम्हारी निगाहें कहाँ हैं? कोई भी माँ वहां से प्रसाद आगे तक लेके ना आए। दूर ही रखो थोड़ा, दूर ही दूर, अरे दूर और दूर, चला ना, पर आगे कर लो। ये क्या टेबल है क्या? और पीछे इस पर रख दो।
करगे सत्य चकेलासे। वैकुंठे नास्ति अयम् रस। यह रस, यह कथा का रस कहीं भी नहीं है। यह सोच करके सर्वोत्तमाम इति ज्ञात्वा पृथ्वीम यातः, पृथ्वी पर नारद जी आए और वह धरती पर जगह जगह घूमे, जगह जगह पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहां? पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकम्। इतने तीर्थों में गए लेकिन कुत्र, कहीं भी मनः संतोष कारकम्, मन को संतोष देने वाला, चैन शांति कहीं भी नहीं प्राप्त हुई। क्यों भाई? इतने तीर्थों में गए तो भी शांति नहीं मिली। हम लोग तीर्थों में जाते हैं ना, और तीर्थों में जाने के बाद बड़े छाती ठोक करके कहते हैं, आए हमने चारों धाम कर ले, और पता है हम फलानी जगह तो इतनी बार हो आए। नारद जी जैसे देव ऋषि को शांति नहीं मिली तो हमें शांति कैसे मिल जाएगी? हैं? अच्छा, तीर्थ में नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैं गया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। नापश्यम कुत्रचित चर्मा मना संतोष कारण कारकम। मैंने वहां शांति नहीं देखी, मुझे सुकून नहीं मिला। अब मैं आप लोगों से पूछूं, जितने यहां बैठे हैं, आप लोग तीर्थों में गए तो सही सही बताइयो, तीर्थों से लौट के जब आए कि घाट पे गिरते हो तुम्हें शांति तभी मिलते है कि ना मिलते है? तीर्थ में जाते हो लेकिन आकर के जैसे घाट पे गिरे तो कहते हैं भैया सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है और फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। मर गए, जो कहता मर गए। बताओ, शांति पाने गए थे और मर गए। तो नारद जी ने बताया कि वहां शांति इसलिए नहीं है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। कलिना धर्म मित्रेण धरे धरेयं बाधिता। ये जो कलयुग है ना,
इसने धर्म को बाधित कर दिया है। इयम धरा धरेयम, इयम धरा, इस धरा का, इस धरती का, कलयुग ने धर्म का, धर्म को जैसे कहते हैं ना, बांध दिया, बाधित कर दिया। जैसे ये जो टैक्सी में अभी जो गाड़ी आ रही हैं, उनकी स्पीड बांध दी जाती है, वो 80 से ज्यादा भाग नहीं सकती, चाहे भाई एक्सीलेटर पूरा को पूरा दबा दे, लेकिन वो लास्ट से लास्ट 80 जाएगी। तो बाधित कर दिया है ना, बांध दिया। ऐसे ही धरेयम बाधिता धुना, इयम धरा, इस धरा पर कलिना धर्म मित्रेण, इस कलिना, इसमें से निकलेगा अधर्म मित्रेण, इस अधर्म के मित्र कलयुग ने इस धरा पर धर्म को बाधित कर दिया, बांध दिया, इसलिए तीर्थों में भी शांति नहीं रही। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, यदि अपना मन पवित्र हो जाए तो नरक में भी अपने मन में शांति रहेगी, और अपना मन यदि अशुद्ध हो तो स्वर्ग के राजा इंद्र को भी स्वर्ग में शांति नहीं मिलती है, वह भी यहां आकर के चंद्रमा को मुर्गा बनाता है और खुद जो है गौतम के घर में घुस जाता है स्वर्ग में जाने के बाद में भी। इसलिए तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, सबसे बड़ी शांति देने वाला तीर्थ कौन सा है, स्व मनो विशुद्धम, अपने मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ी शांति देने वाला है। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, तो हमारे मन की शुद्धता, पवित्रता सबसे बड़ा तीर्थ है।